बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई द कश्मीर फाइल्स। 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई फिल्म। क्या आप जानते हो कि द कश्मीर फाइल्स की ही तरह कम बजट में बनी कुछ फिल्में रही सुपर डुपर हिट। आज आपको उन बॉलीवुड फिल्मों से रूबरू कराएंगे जो कम बजट में बनाने के बावजूद हिट रही है। वेल 11 मार्च 2022 को आई विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। कम बजट में कलेक्शन जबरदस्त। आप ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाओगे कि इस फिल्म को रिपोर्टेडली सिर्फ 25 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। इस फिल्म के प्रमोशंस भी लो स्केल्स पर हुए, लेकिन दमदार सब्जेक्ट रिलीज के बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की राय से ये फिल्म बड़ी बन गई और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने झंडे गाड़े। कंगना रनौत ने इस फिल्म को भारत की आज तक की सबसे कामयाब फिल्म बताई है। वही आमिर खान ने भी एक इवेंट में कहा कि ये फिल्म सभी हिंदुस्तानियों को देखनी चाहिए। विद्या बालन ने विद्या बागची बनकर कहानी में अपनी कहानी से दर्शकों को बांधे रखा। इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म महज 8 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई और इसका कलेक्शन रहा 71 करोड़ रुपए। बच्चा पहले हुआ, प्रेग्नेंट अब हो रही हूँ। फिल्म तनुवेड्स मनु में कंगना रनौत के साथ आर माधवन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म 2011 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिपोर्टेडली फिल्म को सिर्फ 15 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने अपने खाते में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए जोड़ लिए थे। आलिया भट्ट और विकी कौशल स्टारर राजी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी और इस फिल्म ने भी जबरदस्त कमाई की। ये उन वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में से एक है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। रिपोर्टेडली इस फिल्म ने 158 करोड़ रुपीस की कमाई की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेहतरीन फिल्मों में शामिल तारे जमीन पर रिपोर्टेडली 12 करोड़ रुपयों में बनी। फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छू गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर रिपोर्टेडली 88 करोड़ रुपए कमाए। आमिर खान की एक और फिल्म थी पीपली लाइफ। बताया जाता है कि किसानों की दुर्दशा पर बनी इस फिल्म को बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई और इसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग साबित हुई। कहा जाता है कि फिल्म ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। विकी डोनर के साथ आयुष्मान खुराना और यामी गौतम ने एक्टिंग की दुनिया में अपना डेब्यू किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का बजट रिपोर्टेडली 5 करोड़ रुपए से भी कम था। ये अलग बात है कि फिल्म हिट रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर एज पर वेरियस रिपोर्ट्स 65 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर टॉयलेट एक प्रेम कथा रिपोर्टेडली 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी, लेकिन तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि फिल्म 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी। विद्या बालन और रानी मुखर्जी की फिल्म नो वन किल जेसिका को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का बजट रिपोर्टेडली 9 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की। फिल्म 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई। श्रद्धा कपूर स्टारर हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री रिलीज के 18 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म रिपोर्टेडली 20 करोड़ रुपए में बनी थी। एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज थी कॉमेडी मूवी बधाई हो, जिसे बनाने में रिपोर्टेडली 30 करोड़ रुपए लगे, लेकिन इस फिल्म ने 132 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर सभी को चौंकाया। वेलिस लिस्ट में कई और नाम शामिल है जैसे अंधाधुन, सीक्रेट सुपरस्टार, तुम्हारी सुलु, न्यूटन, मुल्क एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी फिल्में वाव है। इसमें दमदार कंटेंट है, मैसेज है और कहानी ऐसी जो काफी हद तक रिलेटेबल है। कम बजट कलेक्शन जबरदस्त। इस स्पेशल स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।